अरे फनी मोमेंट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको याद हो तो चैंपियन ट्रॉफी का जब हम फाइनल जीते थे तो आप, विराट, युवराज, मैं खड़ा था और अज्जू भाई खड़े थे. जिस तरह आप सईद भाई वाला वो कैच एक्सप्लेन कर रहे थे दुबई वाला, वो मेरे लिए बहुत फनी था. जिस तरह आपने वो एक्सप्लेन किया था, मैं प्लीज एक दफा फिर कर दें वो, जब आप ऐसे वो सईद भाई देखे. वो चीज ही ऐसी थी कि वो जितनी दफा आप डिस्कस करें ना वो वैसे ही मजा आता है. और मैं ना बिल्कुल उस फेज में चले जाता हूँ. नीचे ना यहाँ पे बैठा हुआ था, फूल बना के तो अब वो जब उसने फूल बनाया ना और बिल्कुल लिटरली उसका फूल यहाँ था फूल और बॉल यहाँ गिरा था. जब उसने फूल बनाया ना तो मैंने कहा, क्योंकि हाँ मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे यस करना चाहिए था उस कैच को और मुझे लेना चाहिए था वो कैच. लेकिन जब वो मैंने फूल देखा मैं भी थोड़ा सा ईजी हो गया. बहुत डॉली सा कैच था वो. फूल बनाए, मैंने कहा नहीं सईद साहब जो है ना ये कैच करेंगे. सईद साहब का फूल यहाँ था. शुक्र है कि वो फूल मेरा हाल एक इंच दूर था बॉल से. वो उसके हाथ में नहीं लगा बॉल. तो जब वो कैच गिर गया हम दोनों के बीच में तो मैंने उसको कहा कि कैच नहीं किया. कह रहा है मैंने तो इसलिए हाथ यूं बनाए हुए थे कि आप छोड़ेंगे तो मैं कर लूँगा कैच. मैंने कहा मैंने तो छोड़ दिया था. तो और वैसे ही सईद जो है ना वो हम सब जानते हैं कि वो जान है सब तो जबरदस्त. आपके साथ उन्होंने शो भी किया था ना थाईलैंड में. हाँ जी उन्होंने हमें हंसा हंसा ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन. हाँ ये मात बताएंगे ना एक दो. हाँ तो यही तो फनी स्टोरी है. सईद भाई अब हम लोग शो कर रहे थे, शुएब भाई सीरियस कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई कभी रीटेक हो जाता है कभी कोई कुछ बोल देता है. सईद भाई उसने ऐसे हाथ था मेरा एक क्वेश्चन और मेरी हंसी मेरी क्या सबकी हंसी नहीं बंद होती थी. वो और कामरान ये दोनों साथ में बैठे होते थे. अल्लाह इमाद इनके साथ बैठा हुआ होता था, बीच में होता था. ये यहाँ होते थे कामी भाई, यहाँ होते थे सईद भाई. सीरियस शो हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है और ये वो, यहाँ सईद भाई कुछ बोल रहे हैं मेरी हंसी नहीं के काम पे और शुएब भाई मुझे गुस्से में कह रहे हैं आवाज ना है तेरी. इनको चुप कराए मैं कहाँ. हर एक मिनट बाद ना ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. वो उसके साथ आप बैठ जाएं आपको पता ही है सारा दिन मन हंसता ही रहता है.